हेलो कालवस, आज हम खड़े हैं मारुति सुजुकी बलेनो के सामने। ये मारुति बलेनो का फ्रंट लुक, ये जेटा मॉडल है टॉप सेकंड। ये अलॉय व्हील, 16 इंची की अलॉय व्हील है, इंडिकेटर ORVM से ऑटो फोल्डिंग के साथ में। ये मारुति बलेनो का बैक साइड, नेक्सा प्लेटफॉर्म पे कोई भी इसमें मॉडल की बेजिंग नहीं रहती, सिंपल बलेनो एंड सुजुकी का लोगो, डिफॉगर, हाई स्टॉप लैम्प के साथ में। साफिन एंटीना नहीं मिलता है इसमें, नॉर्मल सा एंटीना रहता है। हमें रिवर्स कैमरा मिल जाते हैं 4 सेंसर्स के साथ में। कीलेस एंट्री मिल जाती है। ये रहा इसका खूबसूरत इंटीरियर। ये कार के अंदर बैठते हैं, नॉर्मल है, कोई भी डे नाइट ऑटोमेटिक नहीं है इसमें। जाते हैं हमें एसी के वेंट्स, एक यहाँ पे, दो ड्राइवर साइड में ही। और ये ब्लू टच में आता है, प्लास्टिक है, ये ग्लॉसी पैंट के साथ में है, पूरा हार्ड मटेरियल है। इसमें वैनिटी मिरर मिल जाता है एंड इस साइड में नहीं मिलता हमें। लाइट्स में LED नहीं आती है, नॉर्मल हेलोजन लाइट्स है। अब बात कर लेते हैं को ड्राइवर साइड की। नॉर्मल लेदर के साथ में है, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन लग रही है। इसके बाद में हमें मिल जाता है ग्लव बॉक्स, डोर हैंडल एंड विंडो अप डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। ग्रैब हैंडल इधर साइड में दिया गया है, ड्राइवर साइड के लिए कोई ग्रैब हैंडल नहीं रहता। अब इधर की बात कर ले, ये रहा इंजन स्टार्ट स्टॉप की बटन। साथ ही में मिरर एडजस्टिंग, चारों ग्लास अप डाउन ऑटो में भी है। कर लेते स्टीयरिंग व्हील की, यहाँ से डायरेक्ट कॉल डिसकनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाइफर्स के कंट्रोल है, लाइट्स के कंट्रोल है, ये ऑटो हेडलैम्प्स के साथ में आता है। चलिए, ये तो बात होगी फ्रंट साइड की। हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट के नीचे में स्टोरेज वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। ये रेस की चाबी, दो चाबी आती है इसके साथ में, लॉक अनलॉक। ये इसमें USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, ये चार्जिंग सॉकेट है 12 वोल्ट का। AC ऑटो में है, ऑटो एडजस्टिंग है। चलिए, ये बात तो होगी फ्रंट साइड की, अब चलते हैं अपन बैक साइड में। इसमें भी विंडो स्कॉल दिया हुआ है। ये बलेनो की बैक साइड, काफ़ी अच्छा लेग रूम तो होना चाहिए, बैठ के देख लेते हैं। यस, काफ़ी नी रूम या लेग रूम जो भी बोले, बहुत बचा हुआ है। हेडरूम यदि पॉसिबल हो रहा होगा, इतना हेडरूम के आसपास में मिल रहा है। एंड कंफर्टेबली 3 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे, बट थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बीच में हक दिया हुआ है। पीछे में AC वेंट मिल जाते हैं, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, USB वाला, एक नॉर्मल टाइप का है। यहाँ से नहीं, फ्लो एडजस्ट का नहीं दिया हुआ, हाँ दिया है, फ्लो एडजस्ट का भी दिया हुआ है ये। इसमें सीट कवर में ब्लू टच दिया गया है, इधर साइड में ग्रेप हैंडल दिया गया है, इस साइड में भी दिया गया है। एयरबैग दिए गए हैं इसमें पूरे फुल, 4 एयरबैग है टोटल। काफ़ी अच्छा साउंड सिस्टम भी दिया गया है, अभी आपको बजा के भी दिखाएंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस के। यहाँ पे लॉक दिया गया इसका, हाइड्रोलिक के साथ में आता है इसका बूट। काफ़ी अच्छा खासा इसमें मिल जाता है बूट स्पेस, बट बहुत बड़ा हब बना हुआ है। यदि कोई सामान ट्रॉली उठाना है मुझे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसकी टूल किट्स है यहाँ पे। इसके नीचे में स्पेयर व्हील भी दिया गया होगा, ये तो साइड ट्रे है। ये रहा इसका स्पेयर व्हील, ये रिम में आता है ना कि अलॉय व्हील में। यहाँ पर लाइट दिया गया है कभी बूट में, यहाँ हुक भी दिया गया है, इसमें आप 50 से 60 kg का वेट आराम से कैरी कर सकते हैं। सीट स्लाइड करना है तो 60-40 के रेशियो में दिया गया है सीट को, आप इसे डायरेक्ट सुला भी सकते हैं, ये भी सो सकती है आराम से। इसके बाद में काफ़ी अच्छा बूट स्पेस बन जाता है इसमें। चलिए, तो बात हुई बूट स्पेस की, अब बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें हाइड्रोलिक नहीं मिलता है,
ये डंडी को ही अपने नीचे करना होगा क्योंकि गाड़ियों में नीचे खोखली नहीं मिलेगी। यहाँ पे नीचे पूरा कवर किया गया है। ये रही इसकी बैटरी, ये वॉशर के फ्लूइड के लिए, देख लीजिए उसका। मारुति बलोने में हमें 4 सिलेंडर 1197 यानी 1200 cc के आसपास का इंजन मिल जाता है। चलिए इसके साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अभी फिलहाल इसमें FM चालू है, होम में थे अपन। हमें ऑन करने के लिए पहले ब्रेक पे पैर रखना पड़ेगा, तब जाके इसका ऑन होगा इंजन। फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। ये हमें ऑन करते ही फ्यूल लो है, इसका इंडिकेटर भी दे रही है। चलिए इसे मैं कनेक्ट करता हूँ अपने फ़ोन से, उसके बाद में देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। यहाँ पे हमें वार्निंग भी मिल जाती है कि लो फ्यूल है करके। मैं यहाँ पे दूसरे फ़ोन में एक NCS का सॉन्ग प्ले कर ले रहा हूँ, इससे हमें इसकी क्वालिटी पता चल जाएगी साउंड की। काफ़ी अच्छा साउंड है इसका, देख रहे हो मेहनत, काफ़ी पसीना निकल गया। सो गाइज, बलेनो की वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।